कोटेदार के खिलाफ ग्रामीण ने उपजिलाधिकारी जमनाहा को दिया प्रार्थना पत्र और कार्रवाई की मांग की है। विकास खंड जमनाहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमरपुरवा के निवासी कृष्ण कुमार पुत्र अवध राम यादव ने उपजिलाधिकारी जमनाहा को परविंद्र कुमार को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए कि पत्नी की जानकी देवी कोटेदार व पति राम परघाट ग्राम प्रधान इसी दबंगई के चलते हम लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि दोनों पद हमारे पास है, हम खदन नहीं देंगे, जहां जाना है जाइए। इस संबंध में प्रार्थना पत्र उपजिलाधिकारी जमनाहा को देकर न्याय की गुहार लगाई है तथा शासन द्वारा निर्देश है कि ग्राम प्रधान के परिवार का कोई भी विकित कोटेदार नहीं हो सकता है, इसलिए कोटा निरस्त होना चाहिए। रिपोर्ट भुजो अहमद श्रावस्ती। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार यादव। कहाँ रहते हो? जयता जानकी नगर। क्या मामला है? मामला कोटे का है। हाँ, क्या मामला है? दो महीना हो गया राशन नहीं मिला। हाँ। और पत्नी कोटेदार है, पति प्रधान है। हाँ। राशन लेने आदमी जाता है तो बोलता है राशन ही नहीं है। मतलब दोनों पद उसके पास है, कोटेदार और प्रधान ही का, और राशन नहीं दे रहा है। राशन नहीं दे रहा है। क्या कहा? ये जब राशन लेने पब्लिक जाती है तो बोलता है कि मैं खर्चा कर दिया हूँ प्रधानी में, तो घाटा कहाँ से हो जाए। तो ये आपने इस संबंध में दरखास्त दिया है किसी को? हाँ, दरखास्त दिया है एसडीएम साहब को डाला। एसडीएम को दिया है? क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब कहें ठीक है, खारिज हो जाए।